हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई कहानी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि हूँ। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे, वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गाँव में ही रहते हैं। रवि ज्यादा गाँव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर यहाँ अभी लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं रवि के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की, ज्यादा उम्र की नहीं थी, लगभग 26 की होगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती, मुझे दिखाई दी। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह रवि सोए थे, वो फिर दूर खड़ी दिखाई फिर और हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई, उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रवि यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे, पूछा कहाँ गई थी। मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है, तुम किसी गोरी से सुंदर लड़की को जानते हैं? रवि ये सुनकर भड़क गए, बोले, पागल हो क्या, कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी? लेकिन ये सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि मुझसे पहले उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी करके कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहां जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। ये सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे ये करते देखा है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसा जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने और रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझसे बोला, क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैं उसके पास
तेज तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे, क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवि जब मैं आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया, मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए, और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रवि फूट फूट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देख कर रोने लगी। रोते हुए रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा, और ये सब ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई और मुझसे कहती है, तो तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्या आई, क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहनों को रोता देख मेरी आंखें भी भर आईं, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए थे। वो खुद अस्पताल गए, संध्या के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। रवि की आंखों में मुझसे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा था। रवि ने संध्या को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ नहीं करूंगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब